तीन किलोमीटर आ लिया राकू भैया पूरा। जय श्री राम, मैं भिन्मान से अयोध्या की 1250 की यात्रा कर रही, वो भी स्केटिंग पर। तो आप मेरा हौसला बढ़ाए और कमेंट में जय श्री राम लिख के, बाकी जय श्री राम। जय श्री राम, मैं जा रही हूँ भिन्माल से अयोध्या और मेरा आज तीसरा दिन है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा और यूट्यूब पर भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा प्यार बताइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने इस ब्लॉग में आपको ये दिखेगा कि हमने ना कितनी मजाक मस्ती की और लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया। बाकी जय श्री राम, बाकी जय श्री राम के नारे लगाते जाओ, मेरा हौसला बढ़ेगा। जय श्री राम। मैं जा रही सोने और अगली वॉइस है राकू भैया की, क्योंकि उन्हें सब पता है। बाकी जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं राकू प्रजापत। हम जालौर से आगे निकल के पहुंचते हैं काणीवाड़ा बाला हनुमान जी मंदिर से। पास में थोड़ा छोटा सा गांव होता है जहाँ कुछ लोगों के द्वारा हमारा स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत होता है हमारा। फिर हम अपनी यात्रा वापस शुरू करते हैं और आगे पहुँचते हैं। आगे थोड़े रोड ख़राब होने के कारण हम थोड़ा स्पीड स्लो रखते हैं हमारे कार की, और फिर रोड ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम बच्चों की थोड़ी हेल्प करते हैं, थोड़ा बच्चों को पकड़ के आगे चलते हैं। और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था इसलिए हमें थोड़ा उनकी हेल्प करनी पड़ी। बाकी जय जय श्री राम के नारे लगाते जाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हम पैदल चल के थक जाते हैं लेकिन बच्चों का वो हौसला और एनर्जी लाजवाब थी। में वो जोश और उल्लास और भी बढ़ता जा रहा था। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और मैं इन भाई साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा जो बाइक लेके चल रहे हैं। ये भाई साहब हमारे साथ 10 किलोमीटर साथ चले। इन भाई साहब की मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और रोड ख़राब होने के कारण हमें रुकना। और फिर सवरसा गांव में हमारा बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और बहुत ही फूलों द्वारा स्वागत किया गया हमारा। हम इन भाई साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इन भाई साहब ने हमारा बहुत ही हौसला बुलंद किया और हमें राम मंदिर पहुँचने की फिर भाई साहब द्वारा सिमरन के पिताजी का भी स्वागत किया गया। और बच्चों के लिए फिर बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि बड़े पुरुषों ने उन्होंने चरण स्पर्श किए। फिर रोड खराब होने के कारण मैंने बच्चों की थोड़ी मदद की, खराब रोड मैंने पार करवाया बच्चों को हाथ पकड़ कर, और फिर हम आगे बढ़ते गए और चलते गए आगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे रुकने नहीं चाहिए बस।
माता जी की स्माइल देख के हमारा दिल बहुत ही खुश हो गया और बच्चों का हौसला और ज्यादा बढ़ता गया। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर हम पहुंचते हैं हरजी गांव। हरजी गांव में पब्लिक की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। हां भैया
भगवाधारी भाई साहब राम जी का दर्शन करते हैं यहाँ भी राम जी का दर्शन कर पब्लिक तो आ रही फिर थोड़ा बच्चों की थकान के कारण हमने थोड़ा सोचा कि रेस्ट किया जाए, इसलिए हम घनी छायाओं में रेस्ट करने के लिए गए। फिर कुछ गांव के बुजुर्ग लोगों के द्वारा सम्मान किया गया बच्चों का स्वागत किया गया और अयोध्या राम मंदिर के विषय में कुछ बातचीत की गई और बच्चों के हालचाल पूछे गए और बच्चों का छोटे से बच्चे के द्वारा सिमरन पटेल और कैलाश भाई का स्वागत किया गया। बहुत ही प्यारा स्वागत था बच्चे द्वारा। फिर हम होते हैं रवाना और बैन उर्मी द्वारा स्केटिंग वगैरह पहनाई जाती है और बैन उर्मी ने बहुत ही मदद की और बहुत ही साथ दिया सिमू का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उर्मी बैन को, जो ऐसी बैन मिली हमें। भाई साहब इन रास्तों ने तो बहुत ही परेशान कर रखा था हमें, रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और बहुत ही हमें लगता है कि 1250 किलोमीटर में से कम 600 किलोमीटर हमें भी पैदल चलना पड़ेगा बच्चों के साथ, जो कि बहुत ही रास्ते ख़राब मिले हमें, रास्ते ख़राब का कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ा और बच्चों को भी कठिन परिश्रम उठाना पड़ा। चलो फिर चलते हैं नदी की ओर। नदी में से हमें गुजरना पड़ा और जय श्री राम के नारे लगाते लगाते चलते गए। जय श्री राम के नारों से ही हमें हौसला बुलंद मिलता है और जय श्री नारे में ही कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ही हौसला मिलता है और बहुत ही एनर्जी आती है, बहुत ही ताकत आती है हमें। फिर पहुंचते हैं हम एक आशापुरी मंदिर जहां हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और वहां नहा धो के रेडी होते हैं, जहां मंदिर बहुत ही सुंदर होता है और मंदिर में आशापुरी माँ के दर्शन किए जाते हैं। फिर उर्मी बहन द्वारा वापस वही उर्मी बहुत ही ये सिमू की बेस्टी है और बहुत इसकी केयर करती है, बहुत ही ख्याल रखती है इसका। धन्यवाद हो ऐसी बहन। जय श्री राम, जय आशापुरी माँ। फिर माता जी द्वारा हमारा स्वागत किया जाता है और हमें राम मंदिर के लिए और हौसला बुलंद होने का आशीर्वाद देते हैं माता जी। माता जी को धन्यवाद दिया हमने और उनका जय श्री राम। विद्यारा आशापुरी माता जी के मंदिर हम अभी रुके थे, अभी हम नहा धोकर आराम लेकर तैयार हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे तगड़गढ़, वहाँ पर जाकर खाना। चलो हम निकलते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए पाली हाईवे की ओर और पाली हाईवे बहुत ही शानदार होता है। हाईवे पे हमने ज़्यादा किलोमीटर कवर किया और हाईवे पे स्केटिंग करना भी बहुत आसान होता है बच्चों के लिए, पर थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए हम एक कार आगे रखी और एक कार पीछे ताकि बच्चों को सेफ्टी मिल सके। और फिर जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम आगे चले। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नारों से बच्चों का हौसला और ज़्यादा बुलंद होता है और बहुत एनर्जी आती है, बहुत ताकत होती है। और फिर हमने भी अपनी कार से बच्चों का हौसला बुलंद किया, जय श्री राम के नारे लगाते गए और बच्चों को एनर्जी दी और बच्चों को बहुत ही हौसला बढ़ाया गया बच्चों का। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए
क्या नाम है बेटा आपका? कैलाश। और इनका? सिमरन। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर? हाँ। कब रवाना हुए थे? परसों दोपहर को 2 बजे। रोज का कितना किलोमीटर चलते हो? रोज का फिक्स नहीं है। तो बेटा स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी ली है क्या? कैसे स्कूल की छुट्टी ली है? अच्छा, कब पहुँचोगे? कोई अनुमान? हाँ, 10-15 दिन में पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे। और कैसे चलते हो आप? स्केटिंग से। स्केटिंग से। फिर हम रवाना होते हैं, चलते हैं आगे। और कुछ अंधेरा होने के कारण मैं भी बच्चों के साथ 2 किलोमीटर तक भागा। झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान जी का काम है। मैं 2 किलोमीटर दौड़ा और मैं खुद थक गया था और फिर मैं अपनी कार में बैठ गया। एनर्जी है ना, एकदम हष्ट पुष्ट। हम 10 किलोमीटर आने वाली थी, पता बड़ा हुआ रोज 10 किलोमीटर नहीं है। हां तो क्या करूं? हम 1000 किलोमीटर ही है। एक बार जोर दम लगा के तो फिर दौड़ हम भी तुम घूमने चले। यो और खराब मरा। यो भैया, मेरा भैया मैं हाथ के हालता हालता है जो मन को था हाल लागती कौन तू है जो क्लास के गए खाड़े घुमाए के जो पग दुखे जो मेकी धार दुखे तो मारे दुखे मुंह भी पूरी के बल मारे दुखता जरे तू तो रुक के मावस इन वजह ये तो है भाई बहन की जोड़ी। तो अब कितना किलोमीटर चलना पता है? हां 7-8। फिर 7-8 नहीं चलना है, 20 किलोमीटर चलना है। और पेट नहीं दुखता। फिर आगे चल के बेस्टी उर्मू ने सुनू का साथ दिया और 2 किलोमीटर तक उर्मी भी साथ में दौड़ी। सभी 2-2 किलोमीटर भागे। फिर चलते हैं अर्जुन भाई। अर्जुन भाई भी कम से कम 2 किलोमीटर भागे। सभी ने 2-2 किलोमीटर की दौड़ लगाई और बच्चों का हेल्प किया थोड़ा थोड़ा आगे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अंधेरा में रिक्स नहीं ले सकते हम, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए पापा जी ने भी बहुत हेल्प की। जय श्री राम दोस्तों। फिर पहुंचते हैं हम सांडेरा होटल, जहां हम बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाते हैं। और देखते जाइए। तो हमने भी खाना खा लिया।
बड़े पग पग बड़े ना पग ठंडे रह गया आदमी ठंडे ठंडे रही है तो रिलैक्स मार दो ना भाई रिलैक्स मार रिलैक्स मार ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। तो दिवाली कौन सी तारीख को मनाएंगे? 22 तारीख को। कौन सी तारीख को? दिवाली कौन सी तारीख को मनाएंगे? दिवाली सबसे बड़ी दिवाली 22 तारीख को 22 जनवरी को मंदिर की प्रारंभ करता है। ना पैसा लगता है ना वक्त लगता है, जय श्री राम बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो कली हुई किधर बाती बेटो बती है, गुरु जी सैनो बती है, हाउ जी वो बती, धरती रो धान बती है, भाई बहन बात करे, दुनिया पाप करे, कल जुग रो पोर आयो रो ऐसा तो राम रो नाम लेवो करो। जय श्री राम बोलो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मोरी पोर आयो रो उनका नंदी भक्त हो जे शुरुआत भी ये अच्छा कौन तू के बेटी ने ला ली कैसे मु मन के एक सिमु आ रही गई हां नहीं सिमु वो बच्ची है जो हार नहीं मानती बच्चा होता वो भी हार मानती जय श्री राम। राधे राधे। चलो सो जाते हैं। जय श्री राम।